फीलिंग एक्सेलेंट, आई एम फीलिंग लाइक जितनी मेहनत करी है इस फिल्म के लिए एंड ऑफकोर्स लाइफ में इन जनरल, फाइनली वो अप्रिसिएशन, वो प्यार, वो दोज वर्ड्स दैट ऑलमोस्ट मेक यू क्राई, आई क्राई फॉर एवरीथिंग, बट इट्स रियली ओवरवेलमिंग. प्रेपरेशन तो एक्चुअली हमने वर्कशॉप किया था, 30 दिन का वर्कशॉप था बिफोर वी वेंट ऑन द सेट. लेकिन हाँ, मेंटली मुझे अपने आप को ज़्यादा प्रिपेयर करना था क्योंकि रुबीना से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी. सो आई एम रियली हैप्पी कि मैंने सुजीत सर और विद्या की जो का जो मुझ में विश्वास था उसे लेट डाउन नहीं किया है. एंड ऑल दोज प्रिपरेशन एंड दैट बीइंग इन दैट एब्सोल्यूट वॉर जोन. इंडस्ट्री से तो ऑफकोर्स मतलब चुनिंदा आए हैं, लेकिन जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, भट्ट साहब का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विद्या का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन जर्नलिस्ट के काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और नॉर्मल लोग जो जिनसे मैं एक्चुअली सालों से भी बात नहीं कर पाई हूँ उनके मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो बड़े अच्छे लग रहे हैं. एक स्वीट, बहुत ही स्वीट नहीं कहूँगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि मैं विद्या बालन की बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, और अगर उनके प्रेजेंस में रहकर कोई ये कहता है कि उनके प्रेजेंस में भी रुबीना शाइन करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत ही एक हाथ, मुझे ऐसा लगता है कि एक विनम्र, आई फील लाइक आई एम वेरी हम्बल्ड बाय इट कि मेरे सुपरस्टार के प्रेजेंस में अगर मेरे काम की 0.01% भी तारीफ की जा रही है, तो मेरे लिए बहुत ही एक बड़ी बात. आई हैव लर्नड ऑल अ लॉट फ्रॉम हर. मैं एक्चुअली शूट के दौरान उनको सिर्फ घूरते रहती थी, तो जब उनका शॉट चल रहा होता था वो ऐसी नज़र उनकी घूमती थी, तो शी वुड कैच माई आई लुकिंग एट हर. तो 3-4 बारी ऐसा हुआ शूट के दौरान, तो एक दिन आई जस्ट वॉक्ड अप टू हर एंड आई सेड, आई नो यू थिंक आई एम अ स्टॉकर क्योंकि मैं आपको घूरते रहती हूँ, बट इट्स बिकॉज आई गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम यू. द वे शी ब्रीथ्स, जैसे वो हंसती हैं, जैसे वो बस वो घुल जाती हैं कैरेक्टर में, एंड आई थिंक बेगम जान में शी हैज़ आउटडन हरसेल्फ. सो इला मैम से तो मैं बहुत कुछ, मतलब इला मैम इज अ स्कूल, उनसे वो एक स्कूल है, आप उनसे जितना सीखें आपको लगेगा कि वो कम है. शी इज फैंटास्टिक. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई जस्ट रियलाइज दैट लीड कैरेक्टर्स के उतने आपको नाम नहीं याद रहते जितने आप कैरेक्टर्स के नाम याद रखते हैं. सो विच इज क्वाइट अ थिंग, दैट्स ऑसम. सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? उसके बाद क्या मेरी जर्नी ऑफकोर्स चलती जा रही है इंशाल्लाह. आई होप इसके बाद जितने भी मैं रोल्स करूँ, आई होप अगर लीड्स भी हो तो भी वो उनके नाम आपको याद रह जाए बिकॉज वो इतने इम्पैक्टफुल हों. दुआ तो यही करती हूँ और मेहनत भी उसी के लिए करती हूँ, और सिलेक्ट अपने काम, अपना काम भी उसी बेसिस पे सिलेक्ट करती हूँ कि वो लोगों के दिमाग में एक छाप छोड़ जाए, एक छवि छोड़ जाए. तो जर्नी अमेजिंग रही है एंड टुडे रुबीना इज़ द हाईलाइट ऑफ माई लाइफ एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. मैं जिम में जाती हूँ या कहीं और जा रही हूँ 2-3 दिन से, तो लड़कियाँ, बॉयज, आई मीन इक्वली दे कम एंड दे जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी एंड दे से आपने क्या किया, वो रॉक वाला सीन है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे अब्सॉर्ब करूँ ये सब. तो इट्स एन अमेजिंग फेज एंड आई होप दैट इट कंटिन्यूज. ऑफकोर्स माई स्टोरी हैज़ बिन सो कलरफुल, या माई स्टोरी हैज़ बिन अ स्टोरी ऑफ ऑल ब्रेकिंग ऑल ऑड्स पॉसिबल. लोगों ने मुझे कहा बिग बॉस मत करना, मैंने बिग बॉस किया और जीता. लोगों ने मुझे कहा आपकी पहली पिक्चर में आप रणबीर कपूर के अगर ऑपोजिट नहीं है तो वो पिक्चर मत करना, मैंने वो पिक्चर किया एंड कोयना शेख वॉज द मोस्ट रिमेंबर्ड फीमेल कैरेक्टर ऑफ दैट फिल्म. लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें कही थी कि अगर आप गाने करेंगी पिक्चर में तो आपको सिर्फ वो एक आइटम गर्ल का ही वो मिलेगा, लेकिन आई अल्हम्दुलिल्लाह ब्रोकन ऑल नॉर्म्स एंड आई स्टिल प्लान टू ब्रेक मोर. एंड आई फील लाइक अगर आपकी नीयत सच्ची है और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है तो आप जो भी चाहते हैं आपके वो कदम पे आएगा और वो काम मिलेगा. एंड आज एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर की पिक्चर में मेरे किरदार को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आई कैन ओनली से सब कुछ करना चाहती हूँ. मैं भूखी हूँ काम के लिए, मुझे अच्छे काम की भूख है एंड आई होप के वही चलता जाए. पीपल वर सरप्राइज के हाउ कैन 28 साल की लड़की बी ए मदर टू एक 18 साल के लड़के की माँ कैसे हो सकती है, लेकिन जब लोगों ने पीनट बटर देखी तो आज भी, इनफैक्ट मैं एक प्लेन में थी परसों, मैं दिल्ली जा रही थी और मेरे जो बगल में बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि रुबीना एंड बेगम जान एंड ऑल ऑफ दैट वॉज फैंटास्टिक. फिर जो मेरे सामने बैठे हुए थे वो सो रहे थे, फिर वो जब जागे और मैंने उनको कहा कि थोड़ी सीट ऊपर कर दी थी, तो उन्होंने
रियलाइज किया कि मैं हूँ, तो वो कहने लगे कि अरे वो फिल्म आपने इतना अच्छा, मैंने कहा बेगम जान, तो कहते हाँ लेकिन वो फिल्म पीनट बटर इट वॉज फैंटास्टिक एंड आई वॉज जस्ट लाइक वाओ यू वॉच्ड अ शॉर्ट फिल्म एंड इट मेड एन इम्पैक्ट ऑन यू एंड दिस वॉज अ लाइक मैन ऑफ मे बी हिज अर्ली 40s. सो फॉर मी दैट जस्ट फील्स लाइक जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ और इंशाल्लाह होपफुली आगे भी चल के यही करते हैं. आई थिंक मेरी जर्नी देख के ही लोग समझ सकते हैं कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट, इफ़ यू कैन बिलीव इट यू कैन अचीव इट. तो इनफैक्ट मेरे सोशल मीडिया पे मैं हमेशा एक कनेक्ट रखती हूँ अपने लोगों के साथ जिनको मैं अपने क्रेजी लॉग बुलाती हूँ. तो आई थिंक जिंदगानी में एवरी डे बेसिस पे अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ या कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी से शेयर करूँ जिससे वो इंस्पायर हो पाएँ तो मेरी वही एक यू नो मुहिम रहती है. तो ऐसा तो मैंने कोई मतलब 30 मार खान का काम नहीं कर गया, बट इफ़ एज गौहर खान दे गेट इंस्पायर्ड बाई मी देन आई होप आई कैन लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस. और कोशिश यही करूँगी कि लोगों को अच्छाई की राह पे बोलूँ चलने के लिए. दैट्स इट.